विश्व हिंदू परिषद अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान हिंदू धर्म की रक्षार्थ अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले शूरवीर पुरुष थे, जिन पर समस्त हिंदू समाज को गर्व है। आज भले ही वे हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका आदर्श जीवन और विराट व्यक्तित्व हमें धर्म की रक्षा के प्रति प्रेरित करता है। हमारा दायित्व है कि हम अपने धर्म के प्रति सजग एवं सतर्क रहे। रविवार को आशापुरा माता मंदिर परिसर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती के मुख्य समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि चौहान वंश का इतिहास गौरवमयी है। मगरा क्षेत्र में निवास करने वाला चेता महराज काठा समाज हिंदू समाज का अभिन्न अंग है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि कुछ लोग मुख्य धारा से विमुख हो गए। हमें चाहिए कि समाज की मुख्य धारा से भटके परिवार के सदस्यों को फिर से मुख्य धारा में लाकर खड़ा करें। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी जीवन शैली एवं वीरता का जितना गुणगान किया जाए कम है। चौहान की जन्मभूमि यह अजय मेरू है। उनका विलक्षण जीवन, पराक्रम और अचूक निशाने की गाथा हमारे के लिए प्रेरणादायी है। हमें अपने जीवन में उनकी शिक्षाओं को, उनके आदर्शों को अपनाना कर धर्म रक्षार्थ कदम बढ़ाना चाहिए। उनका कहना था कि समर्थ हिंदू सशक्त भारत की पहचान होगी और यही हमारा ध्येय होना चाहिए। विहिप के केंद्रीय मंत्री उमाशंकर ने भी पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने भी धर्म पर प्रहार करने वाली कट्टरपंथी ताकतों से सावधान रहने एवं उनका डटकर मुकाबला करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में चित्तौर प्रांत अध्यक्ष प्रताप सिंह नागदा, ब्यावर परियोजना अध्यक्ष छोटो सिंह चौहान, जयंती संयोजक गोपाल सिंह रावत, समिति अध्यक्ष पूरण सिंह रावत, बरड़वंशी चौहान गुरुद्वारा पीठाधीश्वर आय वक्तावर वन महाराज पाटन, नरसिंह द्वारा के महंत रामकृष्ण दास महाराज, विधायक शंकर सिंह रावत, जेतारण विधायक अविनाश गहलोत, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, रायपुर प्रधान कमला चौहान, जवाजा प्रधान गणपत सिंह रावत, नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया सहित कई गणमान्य लोगों ने अतिथि के रूप में शिरकत की। युवा प्रमुख विक्रांत सिंह रावत ने बताया कि समारोह में उपस्थित अतिथियों का विहिप के जिला अध्यक्ष नितेश कोयल, विभाग मंत्री सुरेश वैष्णव, समिति के सह संयोजक लक्ष्मण सिंह पंवार, गणपत बालोटिया, सतवीर सिंह, कार्यक्रम प्रमुख सूरज प्रताप सिंह, नगर मंत्री शैलेश सोनी, बजरंग दल जिला संयोजक राजीव मिश्रा आदि ने स्वागत सत्कार किया। कार्यक्रम का संचालन ब्यावर सेवा परियोजना सह प्रमुख पृथ्वी सिंह ने किया। कार्यक्रम में अभिभाषक संघ अध्यक्ष टीकम सिंह चौहान, पूर्व सभापति शशिबाला सोलंकी, डूंगर सिंह रावत, संतोष रावत, करण सिंह रावत, कालू सिंह रावत, अमरचंद जांगीर, अभिमन्यु सिंह, हनुमान सिंह बन्ना, विजय मनोहर सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, सुरेंद्र सिंह, सुखदेव सिंह, बलवीर सिंह, प्रेम चेता, कपिल बोयत, भानु प्रताप सिंह, प्रमोद चौहान, भगत सिंह, रामपाल सिंह तथा राम सिंह आदि कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। दरबार मार्ट, जी हाँ, खुल गया अब आपके शहर में एक ही छत के नीचे किराना व अन्य सभी सामान मिलने का एकमात्र स्थान दरबार मार्ट, जहाँ आपको मिलेगा बेबी केयर, पर्सनल केयर, ड्राई फ्रूट्स, पूजा सामग्री, बिस्किट, नमकीन, किराना आइटम, दालें व मसाले, क्लीनिंग आइटम, नूडल्स एवं सॉस व और भी अन्य सामान हमारे यहाँ उपलब्ध है। और भी दरबार मार्ट का बम्पर धमाका, प्रत्येक माह एक लकी ड्रॉ में 2500 रुपए तक राशन बिल्कुल फ्री में प्राप्त करें। हमारे यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा के साथ व्हाट्सएप पर भी ऑर्डर लिए जाते हैं। नंबर नोट करें 9929933833। तो आज ही चले आए दरबार मार्ट, LIC ऑफिस के सामने, पानी की टंकी के पास, उदयपुर रोड, ब्यावर।